वहीं मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। अभी खबर इस वक्त आ रही है कि एक गांव में फायरिंग हुई है, वहां पर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की है, ऐसा सेना का कहना है। क्या इस वक्त स्थिति है और इसमें क्या क्या इस वक्त जो प्रशासन है, सेना है, वो क्या करने की कोशिश कर रही है, स्थिति को कैसे काबू में लाने की कोशिश कर रही है, हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या जानकारी है इस हिंसा की, जो नई हिंसा इस वक्त भड़की है? देखिए, हिंसा की जानकारी अभी बहुत ही जो कम इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर, लेकिन जो हमें पता चला है कुछ इलाका में अभी भी हिंसा हुआ है। लेकिन आज जो खबर है वो राहुल गांधी का दौरा को लेकर है। जैसे आपने सुना, जो संबित पात्रा शायद बाइट में कह रहे थे कि कुछ महिलाओं ने कॉन्वॉय को रोका और उनके दौरा के विरोध प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे हमें जो ऐसे कुछ महिलाओं के ग्रुप थे शायद जिन्होंने रोका है, इसलिए पुलिस ने उनका कॉन्वॉय रोका। लेकिन कुछ जब हम वहां पहुंचे बिष्णुपुर, हम थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन जब हम पहुंचे बिष्णुपुर वहां पे, तब जो महिलाएं प्रदर्शन कर रहे थे वो चाहते थे कि राहुल गांधी जाए चूड़ाचांदपुर। तो इसमें ये भी तस्वीर सामने आए है। और जब उन्होंने सुना कि राहुल गांधी वापस जा रहे, तब भी उन्होंने रोकने की कोशिश किया, क्योंकि उनको उनका ये था कि वो आगे बढ़े चूड़ाचांदपुर की तरफ। तो इस वक्त राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर पहुंचे हैं, वो वापस चले गए थे इम्फाल, इम्फाल से हेलीकॉप्टर लेके वो यहाँ आए हैं। और यहाँ पे वो इस वक्त जो है एक कैंप में गए हैं और दूसरे कैंप में भी उनके आने का संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी मणिपुर में है, एक दूसरे गांव में इस वक्त हिंसा भड़की है, उसको लेकर सौरभ जानकारी दे रहे थे। सेना ने कहा है कि वहां पर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की है और उसकी जांच इस वक्त जरूरी है।